तुम अगर जिंदगी बदलना चाहते हो, सिर्फ अपने अंदर 5 मिनट डेली इन्वेस्ट करो अगले 31 दिन के लिए, तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। साहब ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी चीज है ये। तो मैंने उससे पूछा कि भाई 30 दिन में जिंदगी बदल सकती है क्या? मैंने एक चीज सीखी उससे कि समझदार इंसान सवाल का जवाब नहीं देता, सवाल का जवाब सवाल में ही देता है। साहब उसने वापस मुझसे पूछा कि अगर बदल सकती है तुम करना चाहते हो क्या? तो मैंने कहा साहब मैं तैयार हूं। तब उसने मुझे ये जर्नल निकाल के दिखाई। इसमें एक प्लेज है कि आप अपने आप के साथ एक एग्रीमेंट कीजिए। मेरे साथ उसने एग्रीमेंट करवाया था 40 साल पहले, मैंने साइन किया था। आई एम ऑनेस्ट, आई एम रिलायबल, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई एम अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, आई विल ऑलवेज डू एंड गिव मोर देन व्हाट आई गेट टू माय फैमिली, माय ऑर्गेनाइजेशन, माय कस्टमर, माय सोसाइटी। मैंने साइन किया साहब। प्लेज यानी प्रतिज्ञा, आपको एक प्रतिज्ञा लेना है और खुद के साथ मोरल एग्रीमेंट करना है। आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ। आई एम रिलायबल, मैं विश्वसनीय हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। आई एम ट्रस्टवर्दी पर्सन, मैं भरोसेमंद व्यक्ति हूँ। आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन, मैं मेहनती इंसान हूँ। आई विल ऑलवेज डू एंड गिव मोर देन व्हाट आई गेट टू माई फैमिली, माई कस्टमर्स एंड माई ऑर्गेनाइजेशन। मुझे अपने परिवार, अपने ग्राहक और अपनी संस्था से जितना मिलेगा हमेशा उससे अधिक दूंगा। यह आपको प्रतिज्ञा करना है और नीचे आपको साइन करना है। यह आपका पहला पृष्ठ होगा। उसने कहा कि डेली सिर्फ 4 सेंटेंसेस कंप्लीट करो, ओनली 4 सेंटेंसेस। बोले सिर्फ 5 मिनट इन्वेस्ट करो अपने अंदर 30 दिन के लिए, उसके बाद जिंदगी बदल जाएगी परमानेंटली। कौन से 4 सेंटेंसेस आपने भरने हैं डेली? एक, टुडे आई फील, राइट डाउन हाउ यू फील। आई फील गुड, आई फील सैड, आई फील बैड, व्हाटएवर, राइट योर ट्रू फीलिंग्स। यह डायरी रात में सोते समय लिखना है। आपको मात्र 15 मिनट का समय निकालना है। यह वाकई जिंदगी बदलने वाला काम है। मैं खुद लिखता हूं और मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि अगर आपने मात्र 1 महीना तक इसे लिखा तो आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे। तो सबसे पहला, टुडे आई फील, आज मैं महसूस करता हूं। आज आपने कैसा महसूस किया? आज आपने अच्छा महसूस किया या बुरा महसूस किया, या खुश महसूस किया, गुस्सा, तनाव, चिंता, या हल्का महसूस किए, या नॉर्मल ठीक ठाक महसूस किया, जो भी महसूस किया उसे लिख देना है। टू, टुडे आई हैव लर्न्ड, व्हाट हैव आई लर्न्ड, हैव आई लर्न्ड एनीथिंग, राइट डाउन। आज हमने क्या सीखा? आज पूरे दिन भर में आपने क्या सीखा उसको लिख दे। कोई वीडियो देखा उससे क्या सीखा, या कोई ऑडियो सुनकर उससे क्या सीखा। आज आपने कोई मूवी देखी उससे आपको क्या सीख मिला, या आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया तो उससे आपने क्या सीखा। किसी सीनियर पर्सन से मिले उससे आपको क्या सीख मिला, या आप आज क्लास गए उस क्लास में आज आपने क्या सीखा। जो जो सीखे हैं उसे अच्छे से याद करके लिख ले। कोशिश करें कम से कम 2 या 3 लर्निंग जरूर लिखें, अगर इससे ज्यादा लिखें तो बहुत अच्छी बात है। 3, टुडे आई एम प्राउड ऑफ, व्हाट एम आई प्राउड ऑफ, एम आई प्राउड ऑफ एनीथिंग। नंबर 3, टुडे आई हैव प्राउड ऑफ, आज मुझे गर्व है। आज पूरे दिन भर में आपने ऐसा कौन सा काम किया जिस पर आपको गर्व महसूस हो रहा है उसको लिख दीजिए। जैसे आज आपने 10 मिनट एक्सरसाइज किया, या 20 मिनट एक्सरसाइज किया, या आज आपने 30 मिनट किताब पढ़ा, या आज आपने किसी की, या आज आपने किसी की मदद की, या 20 मिनट तक मेडिटेशन किया। आज आप नशे से बिल्कुल दूर रहे। आज आपने कोई सामाजिक कार्य किया, या कोई धार्मिक कार्य में शामिल हुए। जो भी काम आपको गर्व का लग रहा है उसे लिख दीजिए। 4, टुडे आई कमिट टू इम्प्रूव, What do I commit to improve? आज मैं सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आप जो सुधार करना चाहते हैं उसको लिख लीजिए। जैसे डेली 20 मिनट एक्सरसाइज करूँगा, डेली 30 मिनट किताब पढ़ूंगा,
अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इम्प्रूव करूंगा, इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करूंगा, पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव करूंगा। और नीचे वी हैव गिवन पॉजिटिव थॉट्स फॉर एवरी डे। इट सेज वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज लेजीनेस, मिसिंग अपॉर्चुनिटीज फूलिशनेस, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज इंटेलिजेंस। अगले यहां पे लिखा है, ability teaches us how to do, motivation determines why we do, attitude decides how well we do. आगे लिखा है, athletes train 15 years for 15 seconds of performance, there is no substitute to hard work. Positive thoughts, waiting for opportunity is laziness, missing opportunity is foolishness, creating opportunity is intelligence. अवसर की प्रतीक्षा आलस्य है, अवसर चूकना मूर्खता है, अवसर पैदा करना बुद्धिमत्ता है। एबिलिटी टीचेस हाउ टू डू, मोटिवेशन डिटरमाइंस व्हाई वी डू, एटीट्यूड डिसाइड हाउ वेल वी डू। योग्यता सिखाती है कि कैसे करना है, प्रेरणा निर्धारित करती है कि हम क्यों करते हैं, आपका नजरिया तय करता है कि हम कितना अच्छा करते हैं। एथलीट्स ट्रेंड्स 15 ईयर्स फॉर 50 सेकेंड ऑफ परफॉर्मेंस। एथलीट 15 साल की तैयारी करते हैं 15 सेकेंड के परफॉर्मेंस के लिए। देर आर नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दूसरे लोगों तक भी जरूर शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।